जब हम घटाव करते हैं तो 6 में से 5 गया 1, यहां 0 से 7 नहीं जाएगा तो 1 पैसा मांगते हैं तभी बन जाता है 10। अब आप सोचिए हमारे पास पैसा है ही नहीं मतलब 0 रुपया, और आपसे हम 1 रुपया मांगेंगे तो हमारे पास 1 रुपया होगा या 10 रुपया होगा जो हमें पहले बताए। जब किसी से 1 रुपया हम पैसा मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, और हमारे पास पहले से पैसा नहीं है, तब 1 रुपया हमारे पास होना चाहिए। ये 10 कैसे बन गया? ये तो गलत बात है ना भाई कि 1 रुपया दिए, तो या तो ये गलत नहीं तो ये गलत। तो कौन गलत है कौन सही है इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बतलाने वाले हैं कि घटाव की क्रिया इसी साइड से ही क्यों की जाती है। घटाव की क्रिया इधर से भी की जा सकती थी तो क्यों नहीं किया गया, यानी घटाव के संबंध में एक संपूर्ण कंसेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं बंसीधर शर्मा आज घटाव के कंसेप्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित। तो समझिए ये घटाव क्या है। तो जैसा कि आप सबों को जोड़ में बतलाया था कि ये जो नंबर 1506 है इसमें ये 150 और 6 नहीं है, यह है 1000, यह है 500, यह है 0 और यह 6। सबका अपना अपना वैल्यू, यानी जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यह है 1000 जोड़, यह है 500, फिर यह है 0 और यह है 6। अब नीचे देखिए, नीचे वाला है 1275 ना कि 1275, यानी 1000 है, फिर इसमें 200 है, फिर इसमें 70 है और फिर 5 है। अब हम इसमें घटाव कर रहे हैं, यानी इन अंकों को घटाना है आपस में, तो 6 बड़ा है 5 छोटा है तो घटाए तो 1 तो बचा। अब यहां 0 है तो 0 से 70 नहीं जाएगा, 0 से 70 नहीं जाएगा, तो बगल वाले के पास उधार लेने जाता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तुम कुछ दे दो ताकि हमारा काम हो जाए, घटाव की क्रिया संपन्न हो जाए। अब यह कहता है 500 रुपया वाला मतलब थोड़ा धनी है, तो धनी है तो इसको लगा कि 1 रुपया देते ठीक नहीं लग रहा है, तो ये देता है इसको 100। कितना देता है? 100 डायरेक्ट दे देता है, जिस प्लेस पे है उसका एक संपूर्ण यूनिट देता है। अगर 100वां स्थान पे है 100, 1000वां पे है तो पूरा 1000 दे देता है। तो देखिए जैसे ही ये 100 दे दिया तो 100 से 70 घट गया तो ये बचा 30। अब 100 जैसे ही ये दिया तो ये संख्या बन गया अब 400, ये 500 किसमें बदल गया 400 में, अब 400 से 200 घटेगा तो बचेगा 200, और यहां 1000 पूरे है 1000 से घटेगा तो ये 0। अब इसी में इसी को लिख देते हैं एक साथ, तो ये सैकड़ा के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर 1 और हजार का स्थान तो 0 यानी खाली, तो यही 231 उत्तर हो जाता है। यानी ये 1 नहीं देता, ये बगल वाले को देखने में 10 हो जाता है लेकिन एक्चुअल 100 दिया इसको, ये 10 दहाई हो गया, ये जो 100 है चूंकि ये स्थान दहाई का है, इकाई दहाई, तो दहाई पे अगर 10 आता है तो इसका मान 100 हो जाता है, जिसे अंक वही है। देखिएगा ध्यान, ऐसे हम लोग संख्या लिखते हैं, इकाई का स्थान दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर 1 4 यहां पे लिख दिए तो ये 4 रहा, अगर 4 यहां लिख दिए तो ये 40 बन गया, इसी 4 को यहां लिख दिए तो ये 400 बन गया, और ये 4 जब हम यहां रख दिए तो ये 4000 बन गया, यानी स्थान के अनुसार मान परिवर्तित होता है। तो ये 100 दिया था लेकिन दहाई पर दिया तो कितना दिया, 10 दहाई दिया, ये 10 दहाई दिया तो यही 10 दहाई में से 7 दहाई घटता है और 3 दहाई बच जाता है। अब ये वाला स्थान 100 चूंकि दे दिया था तो ये 400 या सैकड़ा के स्थान पर है ही तो 4 बचता है, और 4 से ये 2 घटता है तो यहां 2 और ये कैंसिल हो जाता है।
यानी जब भी कोई पंचा देता है तो वो अपने स्थान का एक यूनिट संपूर्ण मान देता है। जैसे इकाई तो पंचा देगा नहीं, चूंकि इससे छोटा कोई अंक है नहीं। दहाई जब भी देगा तो दस देगा, सैकड़ा जब भी देगा तो एक सौ देगा, हजार जब भी देगा तो एक हजार देगा, उससे ना कम देता है न ज्यादा देता है। ऐसे भी जनरल घर में देखिएगा कि आपके घर रिलेटिव कोई ज्यादा कमाते हैं तो वहां जाइएगा तो लौटते वक्त थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, अगर कम कमाते हैं तो लौटते वक्त पैसा कम मिलता है या मिलता भी नहीं। सेम हाल इसमें भी वही, सैकड़ा के स्थान पे तो यानी सॉरी सैकड़ा के स्थान तो यहां सौ रुपया तक रहेगा, मतलब नौ सौ रुपया तक रहेगा। अब नौ सौ रुपया तक ही है उसके पास तो वो एक सौ देता है, यहां क्या रहेगा नब्बे निन्यानबे के निन्यानबे तक रह सकता है, यानी नौ रहेगा तो नब्बे मानिए तो नब्बे तो दस देता है। यहां भी उसी तरह से नौ हजार रहेगा तो एक हजार देता है, यानी अपने स्थान के एक यूनिट का मान देता है ना कि एक देता है। तो यही यहां काउज है कि एक देने पे ये दस बन। अब चलिए दूसरे काउज की ओर चलते हैं कि घटाव जो है इस साइड से हम किए तो क्या इधर से भी घटाव संभव है, और है तो हम क्यों नहीं करते। तो देखिए एक हजार पांच सौ छह, इसमें से हमें घटाना है एक हजार दो सौ पचहत्तर। तो देखिए बात को, यहां एक हजार से एक हजार घटा देंगे तब चलिए जीरो तो बच गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पांच सौ से दो सौ जाएगा तो बचा तीन सौ, सौ सैकड़ा के स्थान पे तीन सौ। अब देखिए यहां जीरो से सात, अब बताइए पैंचा किससे लीजिएगा, पैंचा किससे लीजिएगा, बड़ा वाला को पहले खत्म अगर कर दीजिए, माने सारे जो धनी व्यक्ति हैं उनसे आप लड़ाई कर लीजिएगा तो पैंचा किससे मांगिएगा। तो यही हाल इसमें हो गया, घटाना मतलब उनको हटाते गए, घटाना मतलब हटाना ही होता है ना, जैसे पांच से दो घटाए मतलब उसमें से दो हटा दीजिए बचेगा तीन, सात से पांच घटाए माने पांच को हटा दीजिए, तो पहले बड़कने को जब हटा दीजिएगा तो फिर पैंचा उधार किससे मांगेगा, उधार मांगने वाला उसके पास कोई नहीं बचेगा। ऐसे संभव है लेकिन वो बड़ा स्तर पर समझ लीजिए उसको भी कर दे रहे। अब ये जीरो से सात नहीं जाएगा तो जो तीन सौ सात ना ये अब दो सौ रहेगा, इस तरह से भी हम समझा सकते हैं कि 100 इसको दे देता है और तब फिर ये 10 बन गया और 10 से 7 जाएगा 3, एक्चुअल में ये 100 बन गया, 100 से 70 गया तो 30, तो यहां दहाई पर 3 रखे तो 30 हो गए और यहां 6 से 5 गया 1। तो घटाओ इधर से भी करेंगे लेकिन वो करने में काटना पड़ेगा या अच्छी समझ होनी चाहिए तब होगा, और इधर से भार कम है आराम से। और एक और लॉजिक यही रहा कि अगर पैंचा वाला है नॉर्मल है तब तो किधर से भी कर लीजिए, जैसे नॉर्मल है 9 6 5 घटाओ 2 4 3, इसको इधर से भी घटाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9 से 2 गया 7, 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया 2, कोई चेंज नहीं। पीछे से भी आप घटाइएगा यही रिजल्ट, 5 से 3 जाएगा 2, 6 से 4 जाएगा 2, 9 से 2 जाएगा 5। लेकिन यही जब पैंचा वाला होता है वहां थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बड़ा को आप पहले ही खत्म कर दीजिए घटा दीजिएगा तो फिर अगले वाले को कौन पैंचा देगा, तो फिर यहां अच्छा समझ होना चाहिए कि देता है उसको पैंचा तब यही एक घटा करके वहां देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं लेकिन यह मुश्किल होता है, तो इस मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको शिक्षक क्या करते हैं इसको अपनाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ शिक्षक यहां एक कहते हैं कि एक दस बन गया, वो इसी कारण आपको कहते हैं कि एक जो दिया गया दहाई प्लेस पे दिया गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट आपको रोचक लगा होगा तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि हमारा भी एनर्जी बूस्टअप हो सके, हमें ये लगे कि नहीं हमारा ये मेहनत सार्थक जा रहा है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।